गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट योर प्लेस। सो लेट स्टार्ट टूडेज स्टडीज। क्लास UKG, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 1। और टॉपिक है हमारा आज का वाक्य बनाओ। आज हम 4 अक्षरों से संबंधित वाक्य बनाएंगे। अभी तक हमने 2 अक्षरों से और 3 अक्षरों से वाक्य बनाना सीखा है। अब हम 4 अक्षरों के वाक्य बनाएंगे। हमने 2 अक्षरों का जोड़, 3 अक्षरों का जोड़ और 4 अक्षरों का जोड़ भी पढ़ लिया है। तो आज हम नया वर्क करेंगे। क्या करेंगे? हम 4 अक्षरों से संबंधित वाक्य बनाएंगे। तो चलिए, नाउ स्टार्ट योर वर्क, ओपन योर न्यू पेज। ये आपने अपना न्यू पेज ओपन कर लिया। चलिए, नाउ स्टार्ट योर वर्क। फर्स्ट बेटा, गुड हैंडराइटिंग में वर्क करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दी, दे बनाओ। दी ना के दिनांक, ठीक है? दिनांक लिख लिया आपने। यहाँ आप लिखोगे ऐसे, के छे कक्षा डैश का रिय, कक्षा कार्य लिख लिया आपने। कक्षा कार्य इट मीन्स क्लास वर्क। वन लाइन लीव करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे दिन। दी ने दिन लिख लिया। फिर वन लाइन लीव करोगे आप, यहाँ लिखोगे आप वाक्य, वा हाफ के बनाओगे यहाँ पे, ये वाक्य बे ना ओ वाक्य बनाओ, ठीक है? तो ये देखो, मैंने किसकी पिक्चर बनाई है? बरगद की। तो हम सबसे पहले बरगद का वाक्य बनाएंगे। आज हम 4 अक्षरों से संबंधित वाक्य बना रहे हैं। तो ये बरगद की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? बरगद। तो बरगद का क्या वाक्य बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बरगद। तो बरगद लिखेंगे बे रे गे दे, बरगद। बे रे बर गे दे गद, बर गद। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे बरगद पर, पे रे पर, पे रे पर, बरगद पर। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर यहाँ लिखेंगे मैं ते मत, मैं ते मत। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लिखेंगे चे ढे चढ़। तो हमारा क्या वाक्य बन गया? बरगद पर मत चढ़, बरगद पर मत चढ़, ठीक है? ये हमने किसका वाक्य बनाया? बरगद का। किसका वाक्य बनाया हमने? बरगद का। तो अब नेक्स्ट बनाएंगे क्या है? किसकी पिक्चर है ये? शलजम। किसकी पिक्चर है? शलजम। तो अब हम शलजम का वाक्य बनाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐसे, शे ले शल, जे मैं जम, शल यम। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे चे खे चक, शल जम चक। तो हमारा जहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां पूर्ण विराम लगा देते हैं। शलजम चक, शलजम चक, लिख लिया आप सबने? शलजम चक, ठीक है बेटा? शलजम चक लिख लिया, ओके। अब ये किसकी पिक्चर है? शरबत की। तो शरबत का भी क्या वाक्य बनेगा? चलिए, पहले हम किसी का नाम लिख देते हैं। ए मैं
ने अमन शरबत कह सकते हैं, शे रे शर बे ते बत शरबत चे खे चक शरबत चक अमन शरबत चक अमन शरबत चक। एक बार फिर से मेरे साथ रीडिंग करेंगे अच्छे से। आज हम कौन से वाक्य बनाए, चार अक्षरों से संबंधित वाक्य। कौन से वाक्य बनाए हमने, चार अक्षरों के वाक्य बनाए हैं। इससे पहले हम बेटा दो तीन अक्षरों के वाक्य पढ़ चुके हैं, और जोड़ हमने कौन कौन से शब्दों का पढ़ा है, दो तीन व चार अक्षरों का जोड़। तो अब हम चार अक्षरों से संबंधित वाक्य बना रहे हैं, तो चार अक्षरों वाले वाक्य बना रहे। तो सबसे पहले हमने बरगद का वाक्य बनाया, तो बे रे बर गे दे गद बर गद पे रे पर मैं ते मत चढ़ चढ़ बरगद पर मत चढ़। ऐसे बेटा सेंटेंस पढ़ने की आपको प्रैक्टिस करनी है। शे ले शल जे में जम शल जम शल जम चे खे चक शल जम चक। ओके ए में ने अमन शे रे शर बे ते बत शरबत चे खे चक अमन शरबत चक। ओके कर लिया आपने। अब आप गृह कार्य वाली लाइन लिखेंगे। गृह कार्य कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गे है गृह का रिय गृह कार्य कक्षा डैश कार्य कक्षा कार्य को दो बार लिख कर दोहराए दोहराए। ठीक है बेटा, अब हम बुक्स में रीडिंग करेंगे अपनी। में आपके 5757 पे दिए हुए वाक्य पढ़ने हैं और समझने भी हैं आपको, तो चलिए रीड इट। बे दे ने बदन बे दे ने बदन पे रे पर बे दे ने बदन पे रे पर ऊ बे उब टे ने टन उब टन बे दे ने बदन पे रे पर ऊ बे उब टे ने टन उब टन झे टे झट पे टे पट झट पट रे गे डे रगड़ बदन पर उबटन झट पट रगड़। ये देखो उबटन लगा रही है इसके बदन पर, ये तो ये कह रही बदन पर उबटन झट पट रगड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गे रे में गरम गे रे में गरम मैं ते मत के रे कर गरम मत कर शे रे शर बे ते बत शरबत गे रे में गरम मैं ते मत के रे कर शरबत गरम मत कर। तो अभी किसको कह रही, गणपत को। गे ने गण पे ते पत गणपत शे रे शर बे ते बत गणपत शरबत गे रे में गरम मैं ते मत के रे कर गणपत शरबत गरम मत कर। चलिए नेक्स्ट। ने टे नट खे टे खट नट खट ने टे नट खे टे खट नट खट
रे सर गे मे गम शर गम ने टे नट खे टे खट नट खट से रे सर गे मे गम सर गम झे टे झट पे टे पट झट पट ने टे नट खे टे खट से रे सर गे मे गम झे टे झट पे टे पट बेरे बर टे ने तन पे कैडे पकड़ नटखट सरगम झटपट बर्तन पकड़ ते है तह में दे मद तह मद ते है तह में दे मद तह मद पे है न पहन तह मद पहन ते है तह में दे मद तह मद पहन के रे कर के से कस रे ते रत के रे कर तह मद पहन कर कसरत कर ए के बेरे अकबर ते है तह में दे मद तह मद पे है ने पहन के रे कर के से कस रे ते रत कसरत के रे कर अकबर तहमद पहन कर कसरत कर। तो अब वेंस जी को आपको क्या वर्क करना है चलिए स्टेप बाय स्टेप में देखते हैं शब्द लेखन बुक में। शब्द लेखन में बेटा पेज नंबर 1616 और 1717 करना है। सब लिखा हुआ इस पे बहुत गुड हैंडराइटिंग में करना है आपको बुधवार को। कब करना है ये बुधवार को पेज नंबर 1616 और 1717 करना है वेंसडे को यानी कि बुधवार को आपको अपनी बुक में वर्क करना है। ओके बेटा नाउ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो दैट इज इट दिस लेक्चर गुड बाय।